तो मस्ती करते रहते हैं सेट पे, हंसी मजाक चलता रहता है, प्रैंक्स चलते रहते हैं, बहुत ज्यादा बकर बकर करती रहती हूँ, इधर उधर मस्ती मारती रहती हूँ। इसको समझाया गया है कि ऑफ स्क्रीन भी थोड़ा कैरेक्टर को पकड़ के रखना चाहिए। मैंने उनको आज तक सर नहीं बुलाया है, मैंने आज तक उनको अंकल नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं, मैं उनको बाबा ही बुलाती हूँ। मेट को हटाओ, काम वाम करो, सीखो, उसको अपने नेचुरल उसमें लेके आओ। मैं ऐसी भी रहूंगी ना तो वो हल्की सी स्माइल आ जाती है फेस पे, मुझे पता नहीं चलता है। मतलब मेरी तरफ से प्यार है तो मैं एक्सप्रेस करने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूँ। हाय, आई एम भरत अलावत। हाय, आई एम स्वाति शर्मा। और आप हमें देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पे। हेलो, यू वॉचिंग फर्स्ट इंडिया और मैं हूँ आपके साथ अरमाज सिद्दीकी। शिमारो उमंग पर जल्द ही एक नए सीरियल की शुरुआत होने जा रही है जिसका नाम है चाहेंगे तुम्हें इतना। इस सीरियल में लीड कैरेक्टर का रोल निभाएंगी स्वाति शर्मा और भरत अहलावत। स्वाति बनेंगी आशी और भरत बनेंगे सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ को हो जाता है आशी से एक तरफा प्यार। चलिए आपको दिखाते हैं इन दोनों ने बातचीत में क्या कुछ कहा। थैंक यू। हाँ जी, आशी का जो कैरेक्टर है वो मेरे लिए निभाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था स्टार्टिंग के डेज में, बिकॉज़ आशी एक बहुत ही सीधी सिंपल सी लड़की है जो बहुत कम बोलती है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार है उस पर। तो मेरे लिए ये कैरेक्टर इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था बिकॉज़ मैं रियल लाइफ में बहुत बोलती चलती लड़की हूँ, बहुत ज़्यादा बकर बकर करती रहती हूँ, इधर उधर मस्ती मारती रहती हूँ। एंड बाय गॉड्स ग्रेस कभी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ कि नहीं फैमिली का बर्डन मुझ पे पड़ रहा है या कुछ और है। पेरेंट्स का हमेशा एक ब्लेसिंग रही है, आशीर्वाद रहा है, उनका सपोर्ट रहा है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो इस शो में मैं कर रही हूँ वो सब मुझे सीखना पड़ा है। जैसे आई रिमेंबर, मुझे मेरे डायरेक्टर सर ने मुझे जब ब्रीफिंग कर रहे थे ना तभी बोला था कि आशी तुम्हें सारी चीज़ें सीखनी है, साड़ियाँ कैसे प्लेट करनी है, घर का काम कैसे करना है, वो स्पीड दिखनी चाहिए, बर्तन साफ़ करना सीखो। तो मैं हंसने लगी, फिर सर ने बोला नहीं ये तुम्हें एक्चुअली करना है। तो हम लोग को आई गेस 10-12 दिन का बीच में कुछ टाइम था ब्रीफिंग के बाद में, तो सर ने बोला था ये 10-12 दिन के लिए घर की मेट को हटाओ, काम वाम करो, सीखो, उसको अपने नेचुरल उसमें लेके आओ। बट अब ऐसा हो गया ना कि हाँ स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी इमोशंस को पकड़ने में भी और वैसे आशी जैसे रहने चलने फिरने में, बट अब जाके मुझे ऐसा लगता है मैं आशी में ढलने लगी हूँ। और आप अगर मुझे अभी 10 मिनट बाद बोलोगे आशी बन के इंटरव्यू, तो मैं आशी बन के इंटरव्यू दे सकती हूँ, फिर मेरा हंसना बोलना सब कुछ बंद हो जाएगा, मैं ज़्यादा चकर बकर नहीं करूँगी। और ये काफ़ी हद तक हुआ भी, इनफैक्ट कल मुझे याद है कल मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी तो बातों में, जैसे आशी एक लखनऊ की लड़की है तो लखनऊ में हम करके बात करते हैं, तो स्टार्टिंग में काफ़ी जगह सर को मुझे याद दिलाना पड़ता था कि तुमने मैं बोल दिया हम बोलना है। अभी इसलिए कि कल मैं मम्मी से बात कर रही थी, हाँ हम बस जा ही रहे, मतलब मैं जा ही रही हूँ बस घर पे, तो हाँ धीरे धीरे वो आने लगा है। जैसा हमने प्रोमो में देखा उसका स्लोगन है बंदिशों से घिरा है, किस तरह की बंदिशें हैं? जिन रिश्तों से वो इस घर में बंधी हुई है, इस परिवार में बंधी है, उन रिश्तों की जो बंदिशें हैं वो उन कुछ सीमाएं हैं जिनको वो लांग नहीं सकती, तो वो अपनी लिमिट्स जानती है कि उनको उसको किस लिमिट किन लिमिट्स में रहनी है। जो बाबा के साथ उसका रिश्ता है, जो इस परिवार के साथ उसका रिश्ता है, उसको वो पूरी तरीके से निभाना है। उसको पता है कि मुझे लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी है। मेरे लिए मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं बहुत ज़्यादा आंसर दूंगी ना तो वो बहुत कुछ रिवील कर देगा, तो आई गेस दिस इज इनफ। बाबा के साथ तो इसलिए कि डे वन से जब से मैं उनके साथ शूट कर रही हूँ, इनफैक्ट शूट करने से पहले से भी हमारी रीडिंग के टाइम से ही, मैंने उनको आज तक सर नहीं बुलाया है, मैंने आज तक उनको अंकल नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं, मैं उनको बाबा ही बुलाती हूँ। और उनके साथ मेरा बॉन्ड ऑन स्क्रीन जैसा है सेम ऑफ स्क्रीन है, ख्याति मैम के साथ जैसा मेरा ऑफ स्क्रीन है वैसा मेरा ऑन स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑन स्क्रीन हमारे बीच में भले ही ऐसी केमिस्ट्री दिखाई है कि वो मैं उनसे दबी हुई हूँ, डर रही हूँ, बट ऑन स्क्रीन वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, और शी इज़ अ वेरी 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 स्वीट पर्सन एंड वेरी प्रोफेशनल पर्सन। मतलब मार्क पे जब वो आती है ना अपने कि हाँ ठीक है अभी रोल हो रहा है कैमरा, उसके बाद शी इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सन, अदरवाइज शी इज़ वेरी स्वीट। रियल लाइफ में आप हैं, कैरेक्टर में बहुत डिफरेंस है, तो रियल लाइफ में और कैरेक्टर में आप तो मैनेज कैसे कर लेती हैं?
एज आई टोल्ड यू कि स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम गई थी, स्टार्टिंग के 4-5 दिनों में मुझे दिक्कत गई थी. मुझे डायरेक्टर सर ने इनफैक्ट इतना तक बोल दिया था, आशिया मुझे तुम हंसती हुई नहीं दिख जानी चाहिए. तो मैं बोला सर, बोलते हाँ प्रैक्टिस करो यार, क्योंकि कई बार मेरे साथ क्या होता है ना, इवन इफ़ आई एम साइलेंट, मैं ऐसी भी रहूँगी ना, तो वो हल्की सी स्माइल आ जाती है फेस पे, मुझे पता नहीं चलता है. तो शुरू के 3-4 दिन दिक्कत हुई थी कि मैं मेरा बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसा नहीं जैसे नॉर्मल लड़कियों का रहता है, मुझे थोड़ा सा हेम के चलना है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में चलना है, बातें भी थोड़ी सॉफ्ट स्पोकन होके करनी है, ज़्यादा हंसना, ज़्यादा खुशी नहीं दिखानी है फेस पे. तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था, बट अभी धीरे धीरे मैं कैरेक्टर में ढलती जा रही हूँ, तो आई गेस अब इतना प्रॉब्लमैटिक तो नहीं है. एकता कपूर के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन जो था किस तरह से था? एकता कपूर मैम के साथ मेरा भी, हम दोनों का ही अभी डायरेक्टली 1-to-1 इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं हो पाया है. उनके अंडर बहुत बड़ी एक टीम है, तो हम लोगों को जो भी सजेशंस देने रहते हैं, जो भी एडवाइसेस देनी रहती है, वो सारी उनकी टीम से हम लोगों को मिलती रहती है, जो भी फीडबैक्स रहते हैं. मेरा क्वेश्चन आपसे है, जिस तरह से हमने प्रोमो में देखा पहले ही आपका थमाचा पड़ा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव दिख रहा है, तो आप अपने प्यार को साबित करने के लिए किस तरह से और कोशिश करेंगे? मतलब मैं अपनी साइड से ट्रू हूँ उसके लिए, क्योंकि मतलब मेरी तरफ से प्यार है, तो मैं एक्सप्रेस करने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा हूँ. जैसा है वैसा है, ऐसा नहीं है कि उसकी तरफ से प्यार नहीं होगा तो मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगा. तो मैं वो कर रहा हूँ और वो मैं बताने से घबराता नहीं हूँ. तो अब मुझे, मेरे सामने वो तब रिवील हुआ कि आशी ऑलरेडी मैरिड है, तो वो चीज़ मेरे लिए भी थोड़ी शॉकिंग थी. बट अभी आगे भी जाके तो मेरे को पता है सिचुएशन क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं रुकने वाला हूँ जब तक मुझे प्यार नहीं मिल जाता अपना. आशी का जो प्यार है अपने पापा के लिए, रिस्पेक्ट है कि उन्हें दूसरी चीजों में नहीं जाना है, लेकिन ये लव लैंग्वेज है. तो आशी को किस तरह से अप्रोच करेंगे, मतलब किस तरह से इजहार करेंगे? यार मेरे अकॉर्डिंग तो जैसा मैं फील करता हूँ, मैं दिल से बोलूँगा तो सामने वाले को समझ आएगा. मतलब आशी भले ही ना करे उसको, लेकिन उसको दिखाई तो देगा एटलीस्ट. उसकी तरफ से नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन मेरा एटलीस्ट उसको ये होना चाहिए कि ये ऑनेस्ट है, मतलब ये बंदा दिल से बोल रहा है. तो आई थिंक वो तो उसको समझ आ जाएगा. अब मानना अब उसके दिल में मेरे लिए क्या है वो तो आपको शो देख के पता लगेगा. बहुत अच्छा है, हम बहुत मस्ती करते रहते हैं सेट पे, हंसी मजाक चलता रहता है, प्रैंक्स चलते रहते हैं, मैं भी करता रहता हूँ, ये इसने तो प्रैंक का. मैं बहुत सीधी हूँ, मैंने प्रैंक नहीं किया. बट हंसी मजाक करते रहते हैं, पूरी टीम अच्छी है, सब लोग साथ में बैठते हैं. कोई सीन ऐसा होता है कि उसमें ज़्यादा खुश होते हैं हम, जब सब लोगों का सीन एक साथ, पूरी फैमिली का सीन एक साथ लगता है, तो उस टाइम हम मतलब हमारा अलग ही नेक्स्ट लेवल सेट पे ये होता है कि चलो चलो ठीक है, चुप हो जाओ, चुप, हंसना बंद करो, हंसना बंद करो, चलो फिर एक्शन होते सब सीरियस फोकस. जैसा आशी ने कहा मैं बहुत सीधी हूँ, अभी तक मजाक नहीं किया है, वो ऑफ कैमरा भी कैरेक्टर में ही रहती है. अच्छा भाई, मतलब इसको समझाया गया है कि ऑफ स्क्रीन भी थोड़ा कैरेक्टर को पकड़ के रखना चाहिए. बट नहीं, मतलब हंसी मजाक करते हैं लेकिन प्रैंक नहीं करती है. तो मतलब ऑफ स्क्रीन तो ये बहुत हंसती रहती है, क्योंकि आशी जो है, आशी का जो कैरेक्टर है उसमें वो उसका स्माइलिंग फेस नहीं है, वो स्माइल भी करते हुए आपको बहुत रेयर दिखेगी. लेकिन स्वाति तो पूरा टाइम हंसी मजाक और हंसती ही रहती है. आपको इस कैरेक्टर में खुद को ढालने के लिए कितना टाइम लगा? मतलब जैसे मैंने बोला अभी कि मतलब मैं रिलेट कर पाता हूँ इस कैरेक्टर से, बट वो नहीं है कि मेरा एक्सप्रेस करने का तरीका और सेट के एक्सप्रेस करने का तरीका वो सेम हो. तो उस चीज़ के लिए मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट सोचना, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज जैसा, मतलब नॉर्मली सेट की ऐसी बॉडी लैंग्वेज नहीं होगी, वो इतना ज़्यादा ढीला ढाला और ऐसे नहीं रहेगा. वो कूल डूड है बट वो जेंटलमैन है, मतलब उसने देखा हुआ है, वो उसके फैमिली बैकग्राउंड, उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो और वो एक तरफ़ा वाली चीज़ जो आई है, मतलब प्यार उसका जो है आशी के लिए, वो हो गया, उसको वो एक्सप्रेस करने से रुकेगा नहीं. वरना नॉर्मली इन जनरल हम लाइफ में ऐसा होता है कि जैसे मुझे सपोज़ रियल लाइफ में किसी को किसी से प्यार होगा तो ज़रूरी नहीं है कि, मतलब मैं ये मानता हूँ कि मैं एक्सप्रेस नहीं करूँगा. मैं ठीक है एक बार ट्राई कर लिया, दो बार ट्राई कर लिया, तो ठीक है लड़की ने मना कर दिया, ठीक है मूव ऑन, मतलब ऐसा
आजकल की जनरेशन ऐसी है, बट सिड ज़्यादा ही ऑनेस्ट है उस चीज़ को लेके, उसको प्यार हो गया है, वो ड्रीम सीक्वेंस चलते रहते हैं उसके, फ्लैश आशी के फ्लैशेज आते रहते हैं, तो वो तो कहीं और नजरें नहीं घुमाएगा। फैंस की तरफ से कितना प्यार मिल रहा है, और एक आखिरी मैसेज आप फैंस को क्या कहेंगे? यार प्रोमो को बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं प्रोमो के अभी आगे, और मतलब लॉजिकल है, प्रोमो सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो बस उसी का इंतज़ार है कि 20th जल्दी आए और शो को बहुत सारा प्यार मिले, और जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसको आप अप्रिशिएट करें और सपोर्ट करें शो को। नया शो है, इसको ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, और प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना, बहुत सपोर्ट करना, और थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, आशी बंदिशों से घिरी हुई हैं और भरत को एक तरफा प्यार हो जाता है। वेल, आगे क्या होगा इसके लिए आपको तो सीरियल देखना पड़ेगा, लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।